मॉर्निंग गाइज और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हमारे साथ है वैभव, काफ़ी खुश क्योंकि वैभव को बहुत दिन से मन था ये करने का और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इन्हें था इंतज़ार। हम एक्चुअली अपनी वाइट वॉल को, जैसे हमारी एक वॉल ये है, एक वॉल ये है और एक सामने की वॉल है जो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, इस वॉल को, बिकॉज ये वॉल बहुत खाली लगती है, इसमें हम कुछ इनोवेटिव करने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, बुद्धू, इसमें हम अमेजोन से हम लेके आए हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये अमेजोन से हम लेके नहीं, हमने अमेजोन से मंगाए हैं ये वाइट ब्रिक शीट्स, 3D, क्या इन्हें क्या बोलते हैं, 3D फॉर्म के ब्रिक शीट, दो दिखने में ये अच्छी हैं, बिकॉज पहले हमें काफ़ी रिस्क लग रहा था कि हम इन्हें मंगाए ना मंगाए, बट ये काफ़ी सही आई हैं और जो भी इसका साइज था वही आया है। वैभव क्या साइज था, 70x77 सेंटीमीटर। हाँ, 70x77 सेंटीमीटर की ये शीट्स हैं, काफ़ी बढ़िया, अभी मैं ओपन करके तुम लोगों को दिखाती हूँ और बहुत अच्छा लुक दे रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर टाइल्स हैं, बट दे आर नॉट टाइल्स, ये फॉर्म की बनी है। तो वैभव ने कटिंग स्टार्ट कर दी है, तो वैभव पहले हमें बताएंगे कि ये कटिंग का क्या सीन है और क्यों करी है, जिससे कि बीच में लाइनिंग नहीं हो। हाँ, हमने कई सारे, अगर हम देखा था, एक्चुअली हम इंटीरियर माता से इंस्पायर्ड है ऑनेस्टली, तो उन्होंने भी ऐसे ही करा था, बिकॉज अगर स्ट्रेट स्ट्रेट लगाते हैं ना, तो एक बार मैम स्ट्रेट वाला लगा के दिखाना कैसा आता है, एक बार इसे पूरा ओपन करके दिखा दो। तो ये ऐसी शीट आती है 70x77 सेंटीमीटर की, कुछ ऐसी, इतनी बड़ी ये है ये शीट, एक्चुअली में ये ऐसी आती है, और अगर हम ऐसे कट नहीं करेंगे ना तो ये कुछ इस टाइप की लाइन आएगी जो फिर एक प्रॉपर सिमेट्री नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये वैभव ने जिस तरीके से कट करके करा है उससे ये प्रॉपर एक सिमेट्री दिखेगी। तो ये लॉजिक है इसे कट करने का, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, डायरेक्टली मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, ये ऐसी एक लाइन आएगी और सिमेट्री में कोई लाइन नहीं आएगी, प्रॉपर एक वॉल की तरह लगेगा। तो हमने एक कट करके देख लिया, वैभव सारे कट कर रहे हैं ताकि हम इसे पेस्ट करें। सो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी और एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसको करने वाले हो, एंड यू नीड टू पीपल, इतना इजी नहीं है जितना हमें ब्लॉग्स में लग रहा था, बिल्कुल भी इजी नहीं है एक्चुअली। चलो बताओ, स्केल से बेटर रहेगा, स्केल लगा के काटोगे तो जल्दी जल्दी, स्केल लगा के काट करके आप एक शीट का एक साइड वाला पार्ट ना, हाँ, छोटा वाला साइड पार्ट है उसे आप निकाल लो, तो हमने एक का ऐसा छोटा वाला पार्ट निकाल लिया है। और अब हम यूज करेंगे सेकंड शीट, और सेकंड शीट का भी, सेकंड शीट का बड़े वाले पार्ट को उतना ही कट करना है ना, छोटे को काटेंगे ना, बड़े वाले को काटोगे ना तभी तो घुसेगा ये वाला, छोटा। अच्छा अच्छा, तो दूसरे साइड का भी छोटा वाला ही और याले साइड का भी छोटा वाला ही कट करना है, आराम से सैटरडे संडे को करना गाइस, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत काम डाउन होके ये करना पड़ेगा एक्चुअली, परफेक्शनिस्ट से ही करवाओ, मेरे जैसे लोगों से करवाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। एक सीट निकालना, तो ये देखो ये ऐसे लग गया और आपकी दीवार बन गई। अभी हम एक और शीट लगा रहे हैं, बिकॉज हम पहले से ही अपनी दीवार को मेजर कर चुके हैं, तो हमारी दीवार में 1, 2, 3, 4 लगने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं। तो अब बारी है चिपकाने की, पहले वैभव मेजर कर रहे हैं कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, और अब हम इसे करेंगे, इसका जो वैभव स्टिकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक रहा है, ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा कुछ दिन बाद उखड़ जाएगा, ऐसा नहीं, अगर चिपक गया तो भाई चिपक ही गया। सो गाइस पहले हम पूरा ही चिपकाने का सोचे थे और फिर चिपकाने का, एंड देन लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि हम आधा आधा करके निकालेंगे, बिकॉज हम एक साथ पूरा निकालेंगे ना
और ये कहीं गलत जगह चिपक गया तो इसका निकलना नामुमकिन है, बिकॉज इसका एडहेसिव इतना स्ट्रांग है कि एक जगह चिपक गया तो चिपक ही गया, फिर ये निकलेगा नहीं। आइदर आपकी दीवार ही पूरी उखड़ जाएगी और ये फोम तब भी नहीं निकलेगा, आपकी दीवार उखड़ जाएगी पर फोम नहीं निकलेगा, इसका ऐसा हालत है। इसलिए व्हाट वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा निकालेंगे वेब, उसको सेट करेंगे, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने निकाला है और अब वो उसको सेट कर रहे हैं, और जब वो उसको सेट कर लेंगे तो मैं आगे थोड़ा और निकालूंगी अगेन, फिर वो उसको सेट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम पूरा टाइल निकालेंगे। बिकॉज अगर हम एक साथ पूरा निकाल लेंगे ना तो ये अगर थोड़ा भी इधर उधर चिपक गया, बिकॉज उंगलियाँ तक चिपक जा रही हैं उसमें, वो इतना स्ट्रांग है, तो इधर उधर चिपक गया तो पूरी टाइल भी बर्बाद हो जाएगी और दीवार तो पूरी की पूरी उखड़ ही जाएगी। सो यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट एडहेसिव इज़ रियली स्ट्रांग, एंड आधा आधा करके करो तो आपका काम बनेगा और आराम आराम से। सो गाइस, जो हमने टाइल्स के ना लास्ट लास्ट पार्ट कट करके छोड़ देते वो हमने यहाँ पे यूज़ करें, बिकॉज इतना स्पेस रह गया था सारे टाइल्स को लगाने के बाद, तो हमने वही वाले छोटे छोटे जो क्यूब्स हमने कट करे थे फॉर फिक्सिंग दोज टाइल्स टुगेदर, टू टाइल्स टुगेदर, वही वाले हम अब यहाँ पे यूज़ करें ताकि सब कुछ यूटिलाइज हो सके, कुछ भी ना बचे। और ये बहुत बेटर लग रहा है इन टाइल्स को यूज़ करना, बिकॉज इट लुक्स, अभी आप जब देखोगे ना इफ़ेक्ट, आपको ऐसा लगेगा कि एक ही वॉल है प्रॉपर, आप पहचान में नहीं पाओगे कि अलग अलग टाइल्स के जो टुकड़े हैं, फोम के टुकड़े, वो हमने यहाँ स्टिक करें, इट ऑल लुक्स लाइक सेम। वहाँ पर हमारी एक बेल है तो वैभव अभी बेल को काट रहे हैं, बेल को नहीं काट रहे हैं, शीट को काट रहे हैं बेल के अकॉर्डिंग। ऐसे उन्होंने प्लग भी वैसे ही कट किया था, इस बार आराम से करना, लास्ट टाइम हाथ काट लिया था। वो इंटीरियर वाली माता की वॉल, मतलब उसकी वॉल पूरी सिर्फ इतनी प्लेन थी, हमारे उसमें काफी कलेश है। लो बेल बज गई, बिल्कुल सही आ गया। तो गाइस, हमारी वॉल तो रेडी हो गई है बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू वैभव। कैसी लग रही है वॉल? यस, तो बहुत बहुत सही लग रही है, और हाँ एग्जैक्ट जैसा हमने मंगाया था। बेचारा कुकू के अलावा सबको बड़ी अच्छी लग रही है, जब भी कुछ नया होता है ये बंद हो जाता है, तो एग्जैक्ट जितने हमने मंगाए थे पूरे फिट आ गए, जो भी हमने मंगाए थे। तो हमने यहाँ यहाँ इस वॉल पे, इधर पे, इधर पे, हर जगह कर दिया प्रॉपर वे पे, और बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हो रहा है कि ये अलग अलग थी टाइल्स, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एक ही थी, क्योंकि वो जो वैभव ने अटैच करा है उस वजह से, है ना वैभव? हाँ। अब हम इस वॉल के ऊपर कुछ सरप्राइज लगाने वाले हैं, मतलब कुछ और एलिमेंट डालने वाले हैं। हमारे पास, हमने अपनी फोटोग्राफ्स लगाई हैं, मंगवाई हैं, निकलवाई हैं, और अमेजोन से उसके फ्रेम्स मंगवाए हैं जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, तो ये हैं सारे फोटोग्राफ्स, पहले ही हमने उनके फ्रेम से लगा के रखा हुआ था ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो मैं ये तुम लोगों को वॉल पे, वॉल में लगने के बाद दिखाती हूँ, पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं कि कैसे कैसे लगना है। We'll be right back.
तुम पीछे देख सकते हो एक प्लेन सी वॉल अब कितनी कितनी सुंदर लग रही है। लुक सो सो सुपर ब्यूटीफुल, मतलब एक अलग ही लुक आ चुका है हमारे घर का। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, ये ब्लू था एंड दैट वॉज अ सिंपल प्लेन वॉल जो मतलब मज़ा नहीं आता था, बट नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मतलब आई कांट इवन टेल यू हम कितने कितने सेटिस्फाइड हैं। मतलब ऐसा लग रहा है एक अलग से घर में आ गए, एक अलग से सुंदर घर में आ सकते हैं आ गए। एंड आई कांट इवन स्टॉप स्माइलिंग बिकॉज ये इतना अच्छा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा, मुझे नहीं सच में पता था कि ये इतना अच्छा लगेगा। दो इट वॉज मेसी एज आई टोल्ड यू कि इसका एडहेसिव इतना स्ट्रांग है कि पूरा फर्स चिपक गया था। तो आई हैव 3-4 एडवाइजेस फॉर यू, व्हेन यू विल डू इट यू विल प्लान इट, डू इट, इट्स रियली गुड, पैसा वसूल चीज़ है। और ऐसे चिंता मत करना कि ये गिर जाएगा कुछ टाइम, इसका एडहेसिव इतना स्ट्रांग है ना कि दिवाली निकलेगी। तो फर्स्ट एडवाइस, पक्का दिल बना लो कि ये करना है, बिकॉज ये अगर एक बार चिपक गया ना फिर ये निकला तो तुम लोगों को काफ़ी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पेंट पुताई पुट्टी सब करना पड़ेगा बिकॉज एडहेसिव इज सो सो सुपर स्ट्रांग। ओके, द सेकेंड थिंग इज कभी भी इसे ज़मीन पर मत गिराना, बिकॉज इसका एडहेसिव अगर ज़मीन में चिपक जा रहा है तो निकलने में वो पूरा वहीं रह जा रहा है। देन यू नीड अ लॉट ऑफ मेहनत इसे घिसने घासने में, क्योंकि हमारे साथ यही हुआ, वो ऐसे गिर गए थे एक दो, हमने ध्यान नहीं दिया लेटर, और जब निकालने पर आए ना तो गंदी हालत हो गई थी। दिस इज़ द सेकेंड टिप। थर्ड टिप इज़ इफ़ यू हैव अ वाइट वॉल इट लुक्स बेटर, बिकॉज कहीं कहीं पे ना जो जैसे तुम लोग को अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट लुक्स, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ ना, इट लुक्स सो ओरिजिनल बिकॉज पीछे वाइट वॉल है, तो वो ब्रिक जो है ना बहुत ही अच्छे से आ रही है, बहुत इन्हांस होकर आ रही है। तो ट्राई इट ऑन वाइट वॉल, इट विल गिव यू अ बेटर लुक, मतलब बेटर अच्छा लगेगा। जब आए तो सारी शीट्स के कलर चेक कर लेना, तो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइज की जब भी आए एकदम से प्लीज़ शीट को चेक कर लेना, क्योंकि आधी लगाने के बाद तुम्हें फील होगा ना अगर कि यार ये कलर डिफरेंट है तो तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो डू रिमेंबर कि जब भी तुम कर रहे हो शीट का कलर मैच कर लो, जब भी वो आ रहा है वैसे शीट के कलर मैच चेक करो, अदरवाइज रिटर्न कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू पुट दिस काइंड ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स का लिंक भी नीचे है, उन स्टूल्स का लिंक भी नीचे है, उस पुफ का लिंक भी नीचे है। दीज फ्रेम्स आर सुपर गुड, सुपर कूल, बहुत ही अच्छे हैं। प्लस इसमें कांच नहीं है, इसमें एक फिल्म है, तो अगर ये गिरे गुरेगा मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड, सो काफ़ी मेहनत है, अकेले नहीं हो पाएगा, यू विल नीड समबडी एंड ट्राई टू डू इट इन अ डे, जब तुम्हारे पास काफ़ी टाइम हो, कोई मेहमान नहीं आने वाला हो। एक दिन का मतलब एक दो घंटे का काम नहीं है, हमने सुबह स्टार्ट करा था दिन में 1 बजे और शाम को 6-7 बजे तक भी पूरा नहीं हुआ था। अगर सिंपल एक ही वाले तो चलेगा हमारा, एक्चुअली कूपर भैया हटो, एक्चुअली हमारा क्या था ना कि हमने पूरा ट्राई करा है, ये देखो पूरा ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा, ये देख रहे हो तुम, दिखाते हो तुमको, ये देखो पूरा पूरा करा है, मतलब इट लुक्स लाइक कि एक पूरा आप घर में एक ऐसे एंट्री कर रहे हो, राइट। तो ये वाला सीन है, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा। अगर सिर्फ एक ये वाली ही वॉल होती ना तो इतना टाइम नहीं लगता। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ऐसा कुछ कटफिट वाला वॉल हो तो ध्यान रखना, और जब लाओ स्टार्ट करने वाले हो तो बाय आ कटर, और उसे बहुत ध्यान से करना बिकॉज वैभव इज़ लाइक परफेक्शनिस्ट, उनसे कोई काम गलत हो मैं सोच भी नहीं सकती, मैं हूँ ऐसी ओ किटका उटका वाली, बट स्टिल उनका भी 2 बार हाथ कटा। तो प्लीज़ बहुत आराम से, बहुत ध्यान से करना, बहुत आराम से करना, बहुत अच्छा लगेगा जब ये हो जाएगा। तो या आई होप यू विल लाइक इट, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर तुम लोग करो तो मेरे इंस्टाग्राम में मुझे जरूर टैग करना, आई लव टू सी। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।